जगदलपुर शहर से लगे नकटी सेमरा पंचायत के मुखिया के ऊपर सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा है। यह आरोप वहां के पंच सहित अन्य ग्रामीण लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बस्तर कलेक्टर, बस्तर एसपी और तहसीलदार से भी कर दी है। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र दिया और कहा कि गांव के सरपंच और कुछ लोगों ने 3 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया। जब इस बारे में सरपंच से बात की गई तो सरपंच ने ग्रामीणों को कहीं भी जाकर शिकायत करने की धमकी दी। ऐसे में दर्जनों ग्रामीणों ने तहसीलदार से शिकायत कर तत्काल अवैध कब्जे को हटाने की मांग की है। ये जो सरपंच हो गया और गांडा मतलब कोटवार हो गया, ये सब कब्जा करके रखे हैं गणेश के नाम से, तो इसको रोकना चाहते हैं सर। जिसके पास घर नहीं है, एक घर में 4-5 भाई हैं, उनको मिले ये जमीन 3 से 4 एकड़ है। क्या कर रहे हैं? 3 एकड़ हो गए। बाउंड्री लगा के बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन बाउंड्री मकान वगैरह बना दिए हैं सरकारी जमीन। हाँ, सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा किए हैं। वो जहाँ जमीन है सर, वो पहले अपना पूर्व सरपंच का पट्टा वाला जमीन है, उनका केस चल रहा है, और पीछे जो है शासकीय जमीन निकला है, और सरपंच जी को ही ले जाके पुराना सरपंच को कि ये तेरा अवैध जमीन निकल रहा है पट्टा किनारे में, वो जमीन को घेर लेते हैं, बोले इसको मोहरा बना के इसको ले गए सरपंच को, पुराना सरपंच को, और वो पूरा इन्हीं से घेरा लगाए और वो मन मकान बनाए और घेरा भी लगाए, इनको हवा ही नहीं है। ग्राम पंचायत के सभी लोग आए थे और शिकायत प्रस्तुत किए हैं कि कुछ हमारी जो शासकीय जमीन है उन पे कुछ पंचायत के प्रतिनिधि और कुछ लोग मिलकर उस पर कब्जा करके कुछ अवैध निर्माण करके अवैध रूप से बिक्री कर रहे हैं। ऐसा करके सूचना प्राप्त होते ही हमने उसमें जांच के लिए एक टीम बनाई है अरविंद पटवारियों की, तो जैसे ही अगर उसमें क्या रिपोर्ट आता है तब उससे जैसे रिपोर्ट आता है आप लोगों को अवगत कराएंगे, और अगर कोई संबंधित दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल जो भी विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।